आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों की ओर। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से 9 मार्च को निधन हो गया। सतीश कौशिक भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्में और दमदार अदाकारी से वो हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अब सतीश कौशिक की फिल्म मिर्ग रिलीज होने वाली है, जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा करने के बाद रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जो उनके मरने के बाद रिलीज होगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक तरुण शर्मा ने कहा कि मिर्ग को अप्रोच करते समय मेरा मुख्य उद्देश्य दर्शकों को एक आकर्षक फिल्म देना था। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये सिनेमा का जादू है, मुझे एक अद्भुत और शामिल दल का आशीर्वाद मिला है। राज बब्बर, सतीश कौशिक और अनूप सोनी जैसे दिग्गजों का मेरी पहली फिल्म में होना आशीर्वाद था। निर्देशक ने ये साझा किया कि सतीश बोर्ड पर आने वाले पहले कलाकार थे और अभिनेता ने स्क्रिप्ट भेजने के 2 घंटे के भीतर फिल्म करने पर सहमति भी व्यक्त कर दी थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।